परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा सहित समिति से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शासन द्वारा जिले के 34 गांवों का परफॉर्मेंस ग्रांट में चयन होने के बाद उसके विकास के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि चयनित गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। गाँव में सीधी सड़क के साथ सोलर लाइट लगाया जाएगा। शहरों में मिलने वाली सभी सुविधाओं को गाँव में भी दिया जाएगा, जिससे गाँव का शहरों में होने वाले पलायन को रोका जा सके। जब टेंडर फ्लोर करते हैं तब रेट सही आ जाता है, इसलिए जब डायरेक्ट परचेज करते हैं तो उसकी सेटिंग वाला मामला हो गया। अरे वो फिल्टर उल्टर है, फिल्टर लगा देते हैं उसमें, फिल्टर है लेकिन वो तब भी रेट मैं देखा कंप्यूटर वगैरह में टेंडरों में रहा है, पार्ट जब देखते हैं कि आप जो लाइट वाला तो हम देख फाइल बता देंगे, जैसे आप डस्टबिन की बात कर रहे थे 4.5 किलोमीटर का डस्टबिन जो है हमारे यहाँ है 4500 रुपये का, 44,999 का, 1,400 रुपये। जो उसके स्पेसिफिकेशन आप बना दीजिए भैया, जैसे नील कमल कंपनी का है ना, तो उसके ब्रोशर में स्पेसिफिकेशन होगा तो उस स्पेसिफिकेशन को आप लोहा मजबूत हो, ऐसा ना हो लोहा लोग उठा ले जाए, जो ग्राउटिंग की जाए उसको 1-4 से उसको सीमेंट भर के DDC भर के उसको ठीक भी कर दिया जाए, ये सब स्पेसिफिकेशन डालने पड़ेंगे उसमें। वही डस्टबिन 8,600 का आ जा रहा है सर जी, मोटर में तो बहुत ज्यादा है 75।